दीपक जी, तो एक और भी एक सवाल है जो मेरे मन में है कि जैसे अगर मैं घर लेना चाहता हूँ अपना, तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि मैं वो घर कहाँ पे लूंगा या कैसे लूंगा या कब, मतलब क्या उसकी प्रॉपर एक जगह होगी, ठीक ये है, चीज़ क्या इससे हमें पता चल सकती है? बिल्कुल। देखिए, घर लेने के लिए हमें अपने चार्ट में, अगर हम भृगु नंदी नाड़ी की बात करते हैं, तो हमें शुक्र को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ मैं, तो रेजिडेंशियल के लिए आप अगर शुक्र को देखेंगे, और इस शुक्र का संबंध किस ग्रह के साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वह कंजंक्शन में भी हो सकता है, वह ट्राइन में भी हो सकता है। तो उसको हमें देखने के लिए क्या करेंगे, अगर हमें शुक्र है, शुक्र के साथ सपोज कीजिए चंद्रमा आ गया है, तो चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए घर हमेशा पानी के पास होना चाहिए। परंतु हर जगह पानी अवेलेबल नहीं है, नदी अवेलेबल नहीं है, तालाब अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा अपार्टमेंट देखें जहाँ पर स्विमिंग पूल हो एटलीस्ट। अदरवाइज अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं मैच किए हैं, तो क्या होगा, यह चंद्रमा इस घर में एंट्री बनाएगा, सीलन आएगी, टैप लीक करेंगे, ठीक है। और जब यह कंटिन्यू प्रोसेस बनेगा, तो यही, ये फीमेल है उस घर के अंदर, वीनस फीमेल होती है, और यह इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, मेंटल डिप्रेशन का केसेस, जिनके में यह योग था, परंतु घर पानी के आसपास नहीं होने के कारण से उनको मेंटल डिप्रेशन की दवाएं खाने को मिल रही थी। तो इसलिए सबसे पहले यह देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि यही मंगल, वीनस जो है मंगल के साथ बैठे हुए हैं, यह ट्राइन में मंगल है, तो हम क्या बोलेंगे, आपको पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, किसी पठार पर, उबड़ खाबड़ जमीन के आसपास में जा करके आपको मकान देखना चाहिए, क्योंकि वीनस, अदरवाइज क्या होगा, मंगल लिटिगेशन है, मंगल लोन है, और ऐसे व्यक्ति को लोन पे ही लेना चाहिए मकान, क्योंकि हमें मंगल के कारक तत्व को यूज़ करना है जो कि वीनस के साथ अटैच हो गए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसे घर में अगर हवन होता रहे, मंगल की एनर्जी यूज होती रही, सपोज कीजिए आपने वीनस मंगल का योग है, और आपने पहाड़ पर मकान नहीं लिया है, या पठारी एरिया में वर्खा नहीं लिया है, तो आप क्या, मकान के अंदर एनर्जी यूज होना उस ग्रह की डेस्टिनी है। तो मंगल एनर्जी को, अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर हवन होते रहना चाहिए, हवन के माध्यम से अग्नि निकलती है, तो ऐसा घर बहुत फलदायी हो जाता है। सेम इसी प्रकार से वीनस का संबंध अगर राहु से होता है, तो वह जन्म स्थान से दूर, दूर कहाँ पर, जहाँ पर कि हमारी कल्चर चेंज हो जाती हो, विदेश भी हो सकता है, हम अगर साउथ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया हो सकता है, हम अगर ईस्ट इंडिया में है तो वेस्ट इंडिया हो सकता है, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट कल्चर में घर लेना अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम ग्रहों के कॉम्बिनेशन को मैच करते हैं, वीनस के साथ जिस जिस ग्रह का जो जो कॉम्बिनेशन आता जाएगा, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मकान कहाँ लेना हमारे लिए शुभ है।